हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या आपका मोबाइल भी हैंग करता है? क्या आप भी अपने मोबाइल की कम स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं? गाइस, जब हम नया मोबाइल लेते हैं तो स्टार्टिंग में चाहे वो लो स्टोरेज मोबाइल हो या हाई स्टोरेज मोबाइल हो, बहुत ही स्मूथ चलता है। लेकिन कुछ टाइम बाद लो स्टोरेज मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हैंग करने लगता है, और कुछ बातों का ध्यान न दिया जाए तो ज़्यादा स्टोरेज और रैम होते हुए भी मोबाइल कहीं ना कहीं उसकी स्पीड कम ज़रूर हो जाती है। वेलकम गाइज, मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं मेक यू स्पेशल। आज के वीडियो में बात करूंगा इन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में, कैसे अपने मोबाइल की हैंग प्रॉब्लम को दूर किया जाए। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स देने वाला हूं, जिसको अप्लाई करके आप अपने मोबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और हैंग प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। वैसे तो यह वीडियो सभी मोबाइल यूज़र के लिए है, लेकिन लो स्टोरेज मोबाइल यूज़र के लिए यह ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। तो देर ना करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिलीट अनवांटेड डेटा। जो भी हमारे मोबाइल में फालतू या यूजलेस डेटा है, उसे हमें क्लीन करना चाहिए। लेकिन कैसे हम उन अनवांटेड फाइल्स को पहचाने कि ये यूजलेस फाइल्स हैं? जब भी हम कोई ऐप या वेबसाइट ओपन करते हैं तो कैश फाइल्स और कुकीज इंटरनल मेमोरी में स्टोर होते हैं, जो कि हमारे मोबाइल को हैंग या स्लो स्पीड का कारण हो सकता है। अगर आप नॉर्मल स्टोरेज मोबाइल यूजर हैं तो मैं आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं कहूँगा। आप सिंपली प्ले स्टोर पर से एक ऐप डाउनलोड कर लो, क्लीन कैश। इस ऐप में वन टैप क्लियर कैश फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप लो स्टोरेज मोबाइल यूजर हैं और आप कोई भी एक्स्ट्रा क्लीनर ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली मोबाइल सेटिंग में जाएं, वहाँ पे ऐप मैनेजमेंट या ऐप लिस्ट का ऑप्शन सर्च करें, जहाँ पे हमारे सारे इंस्टॉल किए हुए ऐप होते हैं। वहाँ जाके आप जिस ऐप के कैश फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं उसे ओपन करें। स्टोरेज के अंदर आपको क्लीन कैश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कैश डिलीट कर सकते हैं। डू नॉट इंस्टॉल ऑटो रैम क्लीनर और टास्क किलर ऐप। अपने मोबाइल में कोई भी ऑटोमेटिक वर्क करने वाला मेमोरी या रैम क्लीनर इंस्टॉल ना करें। यह ऐप सफाई कम लेकिन हमारे मोबाइल को स्लो जरूर करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। ऑटोमेटिक क्लीन करने के लिए यह ऐप्स हमेशा बैकग्राउंड में रन करते हैं, जिससे कि यह ऐप्स हमारे रैम मेमोरी को परमानेंटली यूज करते हैं, जो कि मोबाइल को स्लो या हैंग करने का एक कारण हो सकता है। दूसरा ये कि जब कोई ऐप पूरी तरह से क्लोज हो जाता है तो उसे दोबारा जब हम ओपन करते हैं तो उसे ओपन होने में टाइम लगता है, जबकि अगर वो ऐप मिनिमाइज होता है तो जल्दी ओपन हो जाता है। इसलिए कोई भी टास्क किलर ऐप या ऑटो क्लीनिंग ऐप को यूज ना करें। क्लीन एंड सिंपल होम एंड लॉक स्क्रीन। अपने मोबाइल को स्टाइलिश और बेहतर लुक देने के चक्कर में हम होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे लाइव वॉलपेपर लगा लेते हैं, तरह तरह के विजेट्स स्क्रीन पे सेट कर देते हैं। इससे हमारा मोबाइल अच्छा तो दिखता है, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करने से ज़्यादा रैम यूज होता है, साथ ही साथ ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम होती है। यह भी आपके मोबाइल हैंग या स्लो स्पीड का कारण हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे नॉर्मल वॉलपेपर होना चाहिए, और स्क्रीन पे ज़्यादा ऐप्स या कोई विजेट्स नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा रैम फ्री रहे और मोबाइल अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगले टिप के लिए हमें मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन ऑन करना होगा। उसके लिए मोबाइल की सेटिंग में जाएं, वहाँ चाहे तो आप सर्च ऑप्शन में डायरेक्ट बिल्ड नंबर टाइप करके सर्च कर सकते हैं, या फिर सेटिंग में अबाउट फोन का ऑप्शन पे जाएं। अबाउट फोन के अंदर हमें बिल्ड नंबर पे जाना है। हालांकि ये ऑप्शन अलग अलग मोबाइल कंपनी के अकॉर्डिंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन अबाउट फोन के अंदर ही ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बिल्ड नंबर पे 6 से 7 बार प्रेस करना होता है, जिससे कि हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद हम इस ऑप्शन को सेटिंग में देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगले टिप की। तो सबसे पहले हम डेवलपर ऑप्शन को ओपन करेंगे, जिसके लिए हमें सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में हम डेवलपर ऑप्शन को सर्च करेंगे कि डेवलपर ऑप्शन कहाँ पर है। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में हम देखेंगे कि डेवलपर ऑप्शन है। डेवलपर ऑप्शन के अंदर हम सर्च करेंगे ड्राइंग सेक्शन। ये रहा ड्राइंग सेक्शन। ड्राइंग सेक्शन में आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा 3 टैब, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। इनकी सेटिंग करने से पहले बता दूं कि यह ऐप क्या है और ये क्या काम करते हैं। गाइस, जब हम किसी एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करते हैं या कोई मेनू या विंडो ओपन करते हैं तो मोबाइल एनिमेशन शो करता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। इसका डिफरेंस जब आप सेटिंग को ऑफ कर देंगे तब पता चलेगा। यह सेटिंग देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन लो रैम मोबाइल में लैग करने का कारण भी हो सकता है।
यह टिप मैं उन यूजर को सजेस्ट करूंगा जिनके पास लो रैम मोबाइल है। इन तीनों ऑप्शन में बारी बारी से हम इसमें देख रहे होंगे कि डिफ़ॉल्ट 1.x सेट है, इसको हम चाहे तो 0.5x सेट कर देंगे, या फिर अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है तो हम इसे एनिमेशन को ऑफ भी कर सकते हैं। तो इन सेटिंग्स को करके आप अपने मोबाइल की स्पीड को बहुत हद तक सही कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है बिग साइज ऐप्स को लेके। हमारे पास लो स्टोरेज मेमोरी वाला फ़ोन हो या लो रैम वाला मोबाइल, लेकिन कुछ ऐप्स हम ज़रूर चलाते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा है, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शेयर इट। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप ये ऐप ना चलाओ, लेकिन आप चाहें तो इन ऐप्स का लाइट वर्जन यूज कर सकते हैं जो कि साइज में छोटे होते हैं और फीचर भी लगभग सारे मिल जाते हैं, जिससे कि आपको यह फ़ायदा होगा कि आपका मेमोरी भी बहुत ही कम यूज होगा और साथ ही साथ जो रैम इस ऐप्स को चलाने में यूज होगा वो भी बहुत ही कम होगा बड़े साइज के ऐप के कंपैरिजन में। एग्जांपल के लिए अगर आप फेसबुक और मैसेंजर अलग अलग चलाते हैं तो हमारा लगभग 400 से 500 एमबी स्टोरेज इनकी वजह से भरा रहता है, जबकि फेसबुक लाइट से सिर्फ 10 से 20 एमबी स्टोरेज भरेगा। साथ ही साथ इसके लिए कोई अलग से मैसेंजर ऐप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप फेसबुक लाइट नहीं चलाना चाहते हैं और उसकी जगह पे कोई और ऐप चलाना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप शेयरइट की जगह पे कोई छोटे साइज का ऐप यूज करना चाहते हैं जो कि शेयरइट की तरह ही वर्क करे तो उसके रिकॉर्डिंग में मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन से दिए लिंक से इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। टर्न ऑफ बैकग्राउंड ऐप्स। बहुत सारे ऐसे भी ऐप्स होते हैं जो कि क्लोज करने के बाद भी बैकग्राउंड में रन करते हैं। इन ऐप्स को क्लोज करके हम अपने मोबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ऐप्स को ऑफ करने के लिए सेटिंग में ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजर ओपन करें। उसमें बहुत सारे ऐसे ऐप्स होंगे जो आप रेयरली यूज करते हैं फिर भी वो बैकग्राउंड में ओपन रहते हैं। आप उन ऐप्स को फोर्स स्टॉप करके रैम मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऐप्स एंड फाइल्स टू SD कार्ड। अगर आप अपने मोबाइल के लो स्टोरेज से परेशान हैं तो यह ट्रिक आपके लिए ज़रूर काम आने वाला है। कोई भी डाउनलोड की हुई फाइल या कोई भी फ़ोटो जो हम क्लिक करते हैं तो वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल मेमोरी में सेव हो जाते हैं। आप चाहे तो फाइल मैनेजर ओपन करके सारे फाइल्स और फोटोज़ को मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा टिप्स ऐप्स को लेके हैं। हम बहुत सारे ऐप्स या गेम मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका सारा डेटा इंटरनल मेमोरी में स्टोर रहता है, जिससे बार बार लो स्टोरेज का नोटिफिकेशन आता रहता है। आप चाहे तो इन ऐप्स को मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा ही एक ऐप है ऐप MGR थर्ड, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आप बड़ी आसानी से ऐप्स को SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप मोबाइल के हैंग प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।